पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके से 25 वर्षीय पवन नाम के एक युवक के लापता होने की खबर सामने आई है। पवन 20 अगस्त 2024 की रात को पटना जंक्शन पहुंचे थे। रात 11 बजे उन्होंने अपने माता पिता को फोन कर पटना जंक्शन पर आने के लिए कहा था ताकि वे उन्हें घर ले जा सकें, लेकिन जब उनके माता पिता स्टेशन पहुंचे तो पवन वहां नहीं मिले। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। पवन के परिजनों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पवन की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस युवक के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर 6200-814-527 पर फोन करके जानकारी साझा करें। उस घर से खाना उना खा के निकला, पापा से तक खाया, मम्मी पापा से तक खाना निकालिए, खाना खाएंगे तो हम बोलेंगे पापा रोटी खाते हैं, ये पूरी बना है, तो बोला कि मम्मी पापा हम दोनों साथ खाएंगे, तो इनके लिए रोटी बना, उनके लिए पूरी बना, दोनों खा लिए। खा के कुछ देर वो घूमा, अपना रूम में चल गया सोने के लिए, ये भी अपना रूम में, हम यहीं बैठे हुए थे, वो बाहर वाला गेट खुला, बोले गेट का आवाज़ हुआ, बाहर निकले तो बच्चा जा रहा था, बस दो ही मोबाइल लिया हुआ है, कपड़ा पहना, एक ही सेट कपड़ा जो पहना हुआ पहना, ट्राउज़र और टी शर्ट, मोबाइल में वो टैबलेट मोबाइल है, एगो जो यूज करता है जो मोबाइल है, एगो पर्स, छोटा सा पर्स जो पैसा रखता है। पुलिस से मांग करते हैं मेरा बच्चा को लाने के लिए, कहेंगे और क्या कहेंगे, मेरा बच्चा से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। सर मेरा नाम है शिवानंद पासवान, मेरा बच्चा का नाम है पवन कुमार। वो कहले कि 20 तारीख मंगलवार 10:30 से घर से रात्रि में निकला। उसके बाद में कहले कि 11 बजे से उसका मोबाइल बंद है। बोला गया कि आप पटना जंक्शन आइए पापा, हम आपके साथ ही आ जाएंगे। जब हम पटना जंक्शन पहुँचे तो उसका मोबाइल बंद था। बहुत लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर पूरा 3 बजे भोर तक खोजें, कोई अता पता नहीं चला। क्या करता है लड़का को? लड़का ऐसे तो BA फाइनल कर करके, उसके बाद पहले भी क्रिकेट खेलता था, अभी भी क्रिकेट खेलता है, और BA फाइनल कर करके अभी बीकॉम, हमारे साथ कुछ कुछ बिजनेस में हाथ बटाते रहता है। तो क्या हुआ, थाना गए थे, FIR जो करके दिन, जो पर्ची पट जो आपके सामने लेकर के खड़ा है, आश्वासन दिया गया कि आप काल की आगे का आप भी अपना परिवार से मिलजुल करके पता कीजिए और हम भी अपना काम को आगे कर दें। बाडलिस में सब जगह एलेसमेंट करवा रहे थे हम लोग के सामने में, और बाकी के बल्कि जो हम भी प्रक्रिया में लग गए, खोज भी कर रहे हैं, गुमशुदगी का कागज़ पत्र आप भी लोकल में साट दीजिए, और हम हर जगह एयरपोर्ट पर हुआ, हर जगह बाहर में इसका प्रचार कर देते हैं। किसी पर शक है क्या पूछना? जी सर, अभी तक तो हमको किसी पर सर शक वगैरह नहीं है, क्योंकि लड़का साफ सुथरा, आप कोई दुश्मन भी गिरा अभी हमारे पास में किसी से नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं काट का पुल मथनी तल गुलजारबाग गुमटी थाना मेहदीगंज। ये प्रकाश में आया है और इसके ऊपर हम लोग जो है अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं और सुकुशल बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी दी गई है परिजन के द्वारा, पूछताछ के क्रम में क्या पता चला? देखिए अभी पूछताछ चल रहा है और हमारे संज्ञान में आया है और FHO मेहंदीगंज को हमने आदेशित किया है कि इसमें अनुसंधान पूर्ण करके सकुशल जो है रिकवरी उसकी की जाए, और उसके साथ साथ जो भी एंगल्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी तफ्तीश किया जा रहा है। ज़्यादा हो रहा है, क्या इसका कारण है? देखिए मिसिंग केसेस जो है मतलब अलग अलग प्रकार का कैटेगरी में, जैसे बहुत सारे गुमशुदा में भी हमारा केस दर्ज होता है और बहुत सारा अपहरण के हेड में भी हमारा केस दर्ज होता है, तो हमारी जो बरामदगी है वो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, और पटना पुलिस ने मिसिंग केसेस में बरामदगी जो है वो बहुत, हमारा जो आंकड़ा है वो संतोषजनक है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बरामद करें, तो वो बरामदगी हमारी जो आंकड़ा है वो संतोषपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।